देखो केंद्र दे विच बीजेपी पार्टी की सरकार आ, बीजेपी जिहड़ी आ हमेशा पंजाब नाल वितकरा कर रही आ, हमेशा मतरेई माला सलूक कर रही आ। बड़े लंबे अरसे तो जदों पंजाब दे किसानां ने केंद्र सरकार दे खिलाफ मोर्चा खोलिया सीगा, जदों इक तिन काले कानून वापस होए सीगे, उस तो लगातार केंद्र की सरकार पंजाब नाल वितकरा कर रही है। हरेक खेत्र दे विच चाहे फंडां दी गल होवे, चाहे जिहड़ा हैगा झाकी लैके जाण दी गल होवे, सो मैं समझदा मतरेई मतलब जिहड़ा माल आ सलूक आ वो केंद्र सरकार नूं बंद करना चाहीदा। और पंजाब जिहड़ा हैगा एक देश का हिस्सा गा, ये फैडरल सिस्टम का हिस्सा गा, और लोगों का सन्मान करना चाहीदा गा। जे पंजाब के लोगों ने बीजेपी नूं रिजैक्ट किया, सो बीजेपी नूं बदला नहीं लेना चाहीदा। और बीजेपी जिहड़ी राजनीति आ उहदे विच डेमोक्रेसी दे विच रही है, मैं इहदी निखेधी करदा। नहीं देखो इस तरह कि पंजाब वह सूबा है जिन्हें देश की आजादी दे विच सब तो वड्डा योगदान पाया, सब तो वड्ड कुर्बानियां कीतियां ने, ते पंजाब दी झाकी नूं पंजाब गणतंत्र दिवस दी परेड तो बाहर करना ये बहुत कोझा मजाक है। पंजाब और पंजाबियों के नाल यह किसी कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं जे वो गल करते हैं भी उन्होंने पूरा नहीं किया होना कुछ पंजाब वालों, दिल्ली नूं बाहर क्यों करता, दिल्ली वाले ने पूरा नहीं किया है। सो इस करके उन्होंने हल्कियां गल्लां ने केंद्र वाले दियां, अजिहियां गल्लां जिहड़े गणतंत्र दिवस ने या आजादी 15 अगस्त के दिहाड़े ने, यह कोई बीजेपी दे या केंद्र सरकार का कोई ट्रेडमार्क डे थोड़ी ने। यह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मान सम्मान दे दिन ने। नहीं देखो पंजाब की झांकी जी पंजाब वो सूबा है जिन्हें देश की आजादी वास्ते सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां ने। तो एक रिपब्लिक डे दे उत्ते एक जदों साडा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा, वो सूबा जिस सूबे दे लोकां ने जिस सूबे दे इन्ने ज़्यादा शहीद होन, जिस सूबे ने मोहरी बन के देश नूं आजादी दवाई होवे, वो सूबे का मान सत्कार बाकियां नालों ज़्यादा बनता।